और चलिए अब बात करेंगे शारदीय नवरात्र की। तो नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने पूरे विधि विधान से मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की और मां देवी का आशीर्वाद लिया। यमुनानगर के मंदिरों में भी नवरात्र के पहले दिन खासी रौनक नजर आई। आज से शारदीय नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं और अश्विनी मास की शुक्ल प्रतिपदा पे ये आज 15 तारीख को पहला नवरात्रा है माता शैलपुत्री का। अगर देखा जाए यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में मंदिरों के अंदर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है नवरात्रों को लेकर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और श्रद्धालु मंदिरों का रुख कर रहे हैं अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए। कहते हैं कि शारदीय नवरात्रों में 9 दिन माता दुर्गा की पूजा की जाती है और पहला नवरात्रा माता शैलपुत्री का है। कहते हैं कि ये 9 दिन माता धरती पर भ्रमण करती है। हमारे साथ है इस मंदिर के पंडित जी हैं, हम पंडित जी से बात करते हैं कि नवरात्रों का क्या महत्व है और इन नवरात्रों के बाद जैसे दशहरे का पर्व आएगा तो उसके बारे में भी हम पंडित जी से बात कर रहे हैं। पंडित जी जनता टीवी पे स्वागत आपका। जय श्री राम, जय माता दी। पंडित जी आज से शारदीय नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, क्या महत्व है और इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप। देखिए नवरात्रि वैसे तो साल में 2 बार आती है, अप्रैल में चैत्र मास में और आश्विन मास में। लेकिन जो आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि आती है इसमें माता दुर्गा की विशेष रूप से आराधना की जाती है। ये नवरात्रि जो माता की पूजा का ही प्रतीक है और आप सभी जानते हैं कि इस समय ऋतुएं भी बदलती हैं और किसान के लिए फसलें भी काटने का समय है। घर में खुशहाली, घर में उमंग उल्लास और सारे जितने दिन त्यौहार हैं वो अब सब प्रारंभ होने वाले हैं। तो सभी भक्त माता की आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़े, सब लोग जो हैं सुकुशल रहें, निरोग रहें, क्योंकि माँ की पूजा जो है वो निरोगता का भी प्रतीक है। और इस समय जैसे कि आप जानते हैं कि जगह जगह पर बार बार समय समय पर अनेकों बीमारियाँ फैलती रहती हैं, तो माता की पूजा करके लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आरोग्य की कामना भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन नवरात्रों के अंदर जो है आने वाले दिनों में लोगों को खुशहाली का प्रतीक नवरात्रे हैं। माता जो है हाथी पर बैठकर आएगी और कुल मिलाकर अगर बात करें तो इन नवरात्रों में लोगों को काफी अच्छा अनुभव होने वाला है। महामाई की कृपा जो है सभी पर बनी रहे। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सरवजीत बाबा।